नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अबुधाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति ने गले लगाकर किया स्वागत। यूएई में भारी बारिश, सरकार ने जारी किया अलर्ट। ऐलान मोदी कार्यक्रम पर पड़ेगा असर। चाइना भारत में पत्थरबाजी कर रहे मुस्लिमों को चीन ने दिया करारा जवाब। इस फैसले से बवाल मचना तय। बांग्लादेश श्रीलंका के बाद अब यूएई में लॉन्च हुआ यूपीआई, पीएम मोदी ने किया लॉन्च। गृहमंत्री अमित शाह मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में एनएक्सटी 10 निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 6 मार्च को है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने की पीएम सूर्य घर योजना की घोषणा। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 500 में काशी दर्शन, बनारस जाने वाले को योगी सरकार की सबसे बड़ी सौगात। अब सिर्फ 500 रुपए में होंगे काशी दर्शन। चिता पर अंतिम संस्कार के लिए लेटी मृत महिला उठ खड़ी हुई। बहरमपुर में हुई आश्चर्यजनक घटना, जानिए पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह को लेकर 3 जनवरी को सुनाया था ये फैसला। अब याचिका दायर कर विचार करने की मांग। जोधपुर जल्द शुरू होगा एलिवेटेड रोड का काम, गडकरी ने की घोषणा। कहा डिजाइन फाइनल हो गया। समझा जा रहा था विभीषण, बन गए नीतीश कुमार के हनुमान। सरकार बचाने में निभाई बड़ी भूमिका। किसान हड़ताल, 2 साल बाद फिर सड़कों पर किसान। पिछले अनुभव के बाद डबल अलर्ट हुई दिल्ली पुलिस, सुरक्षा में नहीं हो सकेगी चूक। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले दिल्ली से गया वो 2 फोन कॉल, फिर एनडीए की राह हो गई आसान। जगह जगह जाम, पुलिस की तैनाती। कटीले तार, तस्वीरों में देखिए दिल्ली का हाल। अशोक चौहान भाजपा में हुए शामिल, लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा को बड़ा झटका। हल्द्वानी हिंसा के बाद 500 मुस्लिमों ने किया पलायन, प्रशासन ने मुख्य आरोपी को दी 2.45 करोड़ का वसूली नोटिस। भनगुरपुरा हिंसा मामला, अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 6। जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 27 फरवरी तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश होने के आदेश। मिथुन चक्रवर्ती हुए डिस्चार्ज, बाहर आकर बोले पीएम मोदी ने फोन कर लगाई जांच। इब्राहिम फैमिली में फिर गूंजी किलकारी, बेटे के जन्म के 7 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई दीपिका, दुपट्टे से बेबी बम छिपाती दिखी मिसेस इब्राहिम। हार्दिक पांड्या के अमित शाह से ही इस मुलाकात की वजह है बड़ी, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह भी रहे मौजूद। मार्केट में लौटी रौनक, सेंसेक्स निफ्टी में शानदार उछाल, निवेशकों पर 1.92 लाख करोड़ की बारिश। यूपी के बांदा में भंडारे का प्रसाद देने जा रही महिलाओं पर पलटा ट्रैक्टर, 2 की मौत, 3 घायल। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।